हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विडियट अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट अजियो टी शर्ट हॉल, विच इज लाइक इनसेन, क्योंकि जो प्राइजेस मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ टी शर्ट्स के, वो इनसेन है। इतने सस्ते में आई डोंट थिंक सो कि मैंने आज तक कभी टी शर्ट्स ली होंगी। आई मीन मीशो पे भी आती है, बट वो इस क्वालिटी एंड इतने सस्ती तो बिल्कुल नहीं आती। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू सीइंग दिस फेस फॉर द रियली फर्स्ट टाइम, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, सो आई विल वांट टू टेल यू दैट हाई, माई नेम इज तानिया एंड आई मेक अ लॉट of videos, lot of haul vlogs, makeup and review videos. So अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्लीज प्रेस कर दो, बिल्कुल फ्री है। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक कर देना एंड मेरी फैमिली का पार्ट बनना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आएगा स्वीट सा कमेंट छोड़ दो कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। टी शर्ट सर मुझे लगता है हर कोई लड़की पहनती है, हर लड़की पहनती है, चाहे वो छोटी से लेकर बड़ी हो जाए। आजकल तो हर ही कोई टी शर्ट पहनता है, चाहे वो ऑफिस हो, कॉलेज हो, या नॉर्मल आप घर पे पहन सकते हो। सो अजियो पे मैंने रिसेंटली चेक किया तो वहां पर जो टी शर्ट की स्टार्टिंग रेंज थी दैट इज फॉर एग्जैक्टली लिटरली 90 रुपीज। 90 रुपीज में एग्जैक्टली टी शर्ट थी, बट जब मैंने थोड़ा पहले देखा था तब तक वो थी, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी वो जो मैं थी। बट हाँ, आई गॉट अ डील ऑन 100 and 120, इतने की टी शर्ट्स मुझे मिली। आई मीन 10-15 रुपए का फर्क है, सो आई डोंट थिंक सो दैट मेक अ रियली वास्ट डिफरेंस। बट हाँ, अगर आप चेक करोगे तो मैं आई मीन गर्ल्स सेक्शन में भी और वुमेन सेक्शन में भी दो और मेन सेक्शन में भी 90 रुपीज के टी शर्ट्स आपको मिल रही है, विच इज अ स्टील डील गाइज। आई मीन 99 रुपीज या ऐसे करके, मतलब ऐसे करके शिपिंग या कन्वीनियंस चार्ज उनका पूरा मुझे पड़ा था। सो मेरे पास इस पैकेट में अराउंड 3 टी शर्ट्स हैं। सो सबसे पहले मेरे पास आई है ये वाली टी शर्ट एंड लेट मी सी कि इसका जो नेम है वो क्या, जो ब्रांड है वो DNMX है, फ्लोरल प्रिंट क्रू नेक टी शर्ट। मैंने इसको स्मॉल साइज में ऑर्डर किया था। इसका जो प्राइस पड़ा था वो पड़ा था अराउंड 227 थी। हाँ, ये वाली थोड़ी सी महंगी थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये साइज स्मॉल में मैंने आपको ऑर्डर की है। ये प्रिंटेड आपको पूरी फ्लोरल टी शर्ट मिल रही है, DNMX करके ब्रांड का नेम है। ये जो आपको व्हाइट वाला दिख रहा है ना, ये इसके ऊपर प्रिंट नहीं है, इसके ऊपर ऐसे एनग्रेव्ड है, जो कि मतलब अगर छुओगे तो आपको दिख जाएगा ये हल्का सा एनग्रेव्ड है, जैसे कि टी शर्ट्स में होता है। आपको ये हाफ टी शर्ट मिल रही है पूरा नीचे, सो मुझे काफी अच्छी लगी, काफी कम्फी है, आपको बिल्कुल सही फिट आएगी। आप देख रहे होगा साइड में मैंने पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ आप बिल्कुल बताना। एंड ये आप डेली अपने कॉलेज वेयर या ऑफिस वेयर या डेली यूज के लिए भी, अपने घर के लिए भी मंगा सकते हो। कि आपको ये टी शर्ट कैसी लगी, मैं इसको 9 out of 10 देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे काफी अच्छी लगी। एक मार्क से इसलिए कट करें क्योंकि जो ब्लू मैंने देखा था पिक्चर में उससे हल्का सा लाइट आया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टी शर्ट ऑफ दिस हॉल। चुकी हूँ तो ये जब मैं अभी अयोध्या गई थी, अगर आपने अयोध्या व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लो, वो लाइव हो गया है। सो मैं वहां से नानी के घर गई थी, नानी के घर से मैं वापस से पहन के ये वाली टी शर्ट आई थी, मुझे ये काफी अच्छी लगी, काफी फंकी सी है। एंड अगर मैं इसके इसमें से परफ्यूम की स्मेल आ रही है एनीवेज, क्योंकि मैंने इसको वॉश नहीं किया है। सो इसका जो नेम है वो, सो ये रियो की ग्राफिक प्रिंट कॉटन टी शर्ट है। इसका साइज जो मैंने लिया था एक्सेस लिया था एक्स्ट्रा स्मॉल, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल भी साइज इसके आ जाते हैं इजिली। एंड दिस हाउ द टी शर्ट बैक लुक्स लाइक, आपको ऐसी इतनी आपको स्लीव्स मिल रही है एंड यहाँ पे आपको इस तरीके का पूरी टी शर्ट आपको मिलेगी। यहाँ पे जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है ये पूरी एनग्रेव्ड है, ये भी प्रिंटेड नहीं है। और इसकी प्राइस की बात करूं तो ये मुझे मिली थी 182 रुपीज की सिर्फ। मतलब ये सब ना थोड़े से इसमें कन्वीनियंस चार्जेस भी एड है, इसलिए हल्का हल्का महंगा लग रहा है, लेकिन ये भी मुझे काफी अच्छे प्राइस पे पड़ गई। मतलब मुझे तो ये बहुत ही पसंद आई, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले पहना, क्योंकि ये पहले आ भी गई थी मेरे टाइम पे जब मैं जा रही थी, और तो मैंने कहा चलो मैं इसी को ले चलती हूँ, वहीं पे पहनूंगी। जैसा मैंने सोचा था वैसी ही आई थी, हल्का सा कलर और ब्राइट था, बट ठीक है, मैं इसको 9.5 out of 10 देना चाहूंगी। 0.5 हल्का सा कलर थोड़ा सा डल है जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बट ठीक है, मुझे अच्छी लगी, इसलिए 9.5 फॉर श्योरली गोना रिकमेंड यू, क्योंकि बहुत ज्यादा फंकी एंड समरिश कलर है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। इसमें पिक्चर्स भी बहुत ही प्यारी आएंगी अगर आप धूप में पिक्चर्स लोगे, जैसा कि आप चेक करोगे धूप में मैंने पहना था कि प्यारा लग रहा था कलर। सो या दैट्स द केस। सो लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड टी शर्ट ऑफ दिस हॉल। सो इस बैग में जो थर्ड टी शर्ट है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि वो सेम कलर में है। सो मैं आपको बहुत ही प्यारी सी टी शर्ट दिखाऊंगी, जिससे मुझे बहुत प्यार हो गया था जब मैंने ऑर्डर किया था तब भी, और मुझे अब भी, आई एम सॉरी दूसरे फोन में आवाज है। सो दिस इज इट, ओ माय गॉड, मुझे बहुत अच्छी लगी थी एक्चुअली ना। मैंने ये गर्ल्स सेक्शन से ऑर्डर किया है एंड मैं अगर इसके, क्योंकि ना मुझे ये साइज आ जाता है, मतलब गर्ल्स सेक्शन से भी मैंने काफी कपड़े पहने हैं। ये है कि पतली दुबली लड़कियों का, मैं फिलहाल मैं पतली रह नहीं गई हूँ, बट हाँ मुझे एक्स्ट्रा साइज स्मॉल या स्मॉल साइज आ जाता है, तो उसको पतला ही कहेंगे आई थिंक सो, बट हाँ मैं पहले से थोड़ी मोटी हो गई हूँ। सो ये था आउटराइट का कार्टून प्रिंट राउंड नेक टी शर्ट, और मैंने ये साइज ऑर्डर किया था 15 to 16 ईयर्स, क्योंकि
कि इन साइज के कपड़े भी मुझे आ जाते हैं। सो ये 171 रुपीज की मुझे पड़ी थी आफ्टर ऑल दी शिपिंग एंड चार्जेस जो एक्स्ट्रा इंक्लूडेड थे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। कपड़े का जो मर्ज होता है ना वहां पे उसका है। एंड इसकी क्वालिटी ओ माय गॉड टॉप नॉच क्वालिटी है। सो इसमें कुछ अंदर ये लगा हुआ था ऐसे जो, और उसके बाद ये बहुत ही प्यारी क्वालिटी आप देख रहे हो यहाँ पे। ये बताओ इसका नाम क्या है, इस वाले कार्टून को आप जानते हो कि नहीं? तो आप जानते हो कि ये वाला बताना, आप कॉमेंट करना कि कौन से उसमें आता था, कौन सा कार्टून था और कौन से चैनल पे आता था, इस कार्टून का नाम क्या है मुझे बिल्कुल बताना। पॉज करो और मेंशन मैं करो उसके बाद मैं, क्योंकि आपको नाम बताने वाली हूँ। सो पहली बात तो ये यहाँ पे प्रिंटेड है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था इसलिए मैं ऑर्डर किया था। मुझे ना अपने बचपन की याद आ गई थी इस वजह से भी। साथ ही साथ यहाँ पे ना आपको बिल्कुल शिमर शिमर पार्टिकल दिए गए हैं जो कि बिल्कुल मुझे नहीं लगता निकलेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। एंड लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दिस कार्टून। कर लिया टाइप? कर लिया, मैं वेट कर रही हूँ। 1 2 3। सो इस कार्टून का नाम है बक्स बनी, जो कि पीछे प्रिंटेड है। मतलब मुझे भाई बहुत ही अच्छा लगा कि आप इतने में, मतलब इसमें भी ना आपको इससे शिमर शिमर आपको दिख रहा होगा पार्टिकल्स हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था भाई। मैंने तो अपने बचपन की मैं वो कर ली, क्या कहते हैं, ख्वाहिश पूरी कर ली कि मुझे इसकी एक टी शर्ट पहनती, मुझे बहुत क्यूट लगता था। और ट्वीटी जो थी इसके साथ इसके कार्टून में, वो भी मुझे बहुत क्यूट लगती थी। तो मुझे ये दिखा तो मेरे बचपन की याद आ गई, तो मैंने कहा ये तो मुझे मिला रखा है। क्वालिटी टॉप नॉच है, 10 out of 10, अगर मैं चाहूँ तो 11 out of 10 भी दे दूँ। हाँ, बट मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी। और इसके साथ ना एक और भी मैं आपको दिखा दूंगी, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी, वो भी मैं मंगा रही थी बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो वो मैंने नहीं मंगाया। वो बहुत प्यारा था, ऐसे यहाँ पे बैग बना हुआ था, वो बहुत ही प्यारा लगा। लेट्स मूव ऑन टू द फोर टी शर्ट ऑफ दिस। जो फोर टी शर्ट है वो इस पैकेट में है, ये भी ब्रांड DNMX की। प्राइस इनके थोड़े ज्यादा हो गए हैं जस्ट बिकॉज कि इसमें सब कन्वीनियंस भी एड हो गए, मुझे शो हो रहा है। सो मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है, बट सबके प्राइस ना 150, 120, 180, 200 मैक्स है जिसका भी प्राइस मैं लिया था। सो ये था ग्राफिक प्रिंट स्लिम फिट क्रू नेक टी शर्ट इन दी साइज स्मॉल। मैंने स्मॉल साइज में ऑर्डर किया था, और हाँ मैंने इनको जब भी ऑर्डर किया था तो ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सब ही डिलीवर हो गए थे। बहुत ही ईजी डिलीवरी है इनकी, और इनकी रिटर्न भी बहुत ही ईजी है, क्योंकि मैंने हाउ द टॉप लुक्स लाइक, बहुत ही क्लासी सा कलर है। और यहाँ पे आपको ना ऐसे कुछ ब्लिंगी ब्लिंगी सा दिया हुआ, यहाँ पे लिखा है टूडे इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक न्यू मेमोरीज, सो दिस इज द थिंग। बट मुझे कुछ बहुत ज्यादा खास पसंद नहीं आई, आई डोंट नो मैंने इसको ऑर्डर क्यों किया था, क्योंकि ना इसका जो कलर है वो बहुत डार्क रहा था, और जो कलर आया है वो मुझे उतना डार्क पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको 7 out of 10 देना चाहूंगी। बट हालांकि क्वालिटी की बात करूं, क्वालिटी काफी अच्छी है, बट एज कंपैरिजन टू मैंने जितना देखा था उस हिसाब से मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। आप बताना, आप चाहो तो ले सकते हो, मतलब बहुत ही सिंपल सी डिसेंट सी है, आप घर पे पहन सकते हो, हल्का फुल्का ही बाहर जा रहे हो उसके लिए पहन सकते हो। या दैट्स द थिंग। एंड मैं इसकी बात करूं तो इसका फिट भी बिल्कुल प्रॉपर था, मतलब इसका साइज जो मैंने ऑर्डर किया था वो स्मॉल ही ऑर्डर किया था, स्मॉल के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी ही है, छोटी नहीं है स्मॉल के हिसाब से इसका साइज, और कुछ स्मॉल का साइज थोड़ा बड़ा, वो ब्रांड टू ब्रांड डिफर करता है। सो आप अपने अकॉर्डिंग देख के लेना, वहाँ पे साइज चार्ट भी होते हैं तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग लेना, क्योंकि साइज ना बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। अगर इतने कम की टी शर्ट्स आपको दिख रही होती है ना, उनके साइज थी जल्दी स्टॉक होंगे, मतलब अभी हमने कार्ट में ऐड किया, 2-3 मिनट देखोगे तो आउट ऑफ स्टॉक, तो बहुत ही जल्दी कार्ट में ऐड करके आपको ले लेना होता है, ऑर्डर प्लेस कर लेना होता है। बाकी मैं प्रमोटर नहीं कर रही, मुझे कुछ नहीं मिलते, कुछ नहीं दे रहे अजियो वाले, इज दैट मैंने हॉल बनाना था तो मैंने आपको बताना था कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। सो दैट्स अ थिंग, और इसको मैं 7 out of 10 देना चाहूंगी। सो बस इसके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टी शर्ट ऑफ दिस हॉल। पर्पल कलर की लैवेंडर, बहुत ही प्यारा सा कलर है और काफी ज्यादा समरिश कलर है, और इसका जो नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये है रियो ब्रांड की ग्राफिक प्रिंट क्रू नेक टी शर्ट। मैंने इसको मीडियम साइज में ऑर्डर किया था, क्योंकि एक लौता यही टी शर्ट थी जिसका मुझे साइज मीडियम मिला था, मिला था। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मुझे भाई प्राइस बहुत पसंद है, इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर किया था। इसका ओरिजिनल प्राइस 399 था, उसके हिसाब से सबकी जो शर्ट की क्वालिटी है सबसे ज्यादा कम अच्छी इसकी है, क्योंकि माइट भी वो 399 की है, इस वजह से यहाँ पे आपको फ्राइज बने हुए हैं, साथ साथ आपको इसमें पूरे टी शर्ट में से पोलका डॉट्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी टाइम रेडी, दैट इज मी, मैं भी फ्राइज के लिए एनी टाइम रेडी हूँ। बट ये फ्राइज कम केले ज्यादा लग रहे हैं मुझे, आप बताना, शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि यहाँ से ऐसा लग रहा है ये केला है। सो आप बताना कि क्या है, बनाना लग रहा है मुझे, ये फ्राइज कम लग रहा है, बट ठीक है, आई मीन घर पे
पहनने के लिए मिल रही है और इसका जो प्राइस है ये 142 है, सबसे सस्ती वाली है ये टी शर्ट एंड दिस हाउ इट लुक्स लाइक। एंड आप बताना आपको कैसी लगी ये टी शर्ट, काफी ज्यादा कम्फी है, समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसको गुड 8.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगी क्योंकि एज कम्पेरिजन टू मटेरियल मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, बट हाँ सबसे सस्ती टी शर्ट थी तो माइट भी इसका जो कपड़ा है उस अकॉर्डिंग है। एंड आप बताना इन सब में टी शर्ट में से आपको कौन सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मुझे वो फ्लावर वाली अच्छी लगी, वो और साथ ही साथ वो बनी बक्स बनी वाली अच्छी लगी, एंड वो जो मैंने पहनी हुई है वो पहन चुकी हूँ, मतलब जो कलरफुल बिल्कुल ब्राइट कलर है वो भी बहुत ही अच्छी लगी। सो आप बताना आपको कौन सी अच्छी लगी है, इनमें से आप कौन सी लेना चाहोगे कि नहीं। एंड अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, सबके ना लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं चेक दे दूंगी, तो आप चेकआउट कर लेना। एंड मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइए, बिना सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत जाइएगा, पाप लगेगा, पाप नहीं लगेगा यार, बिल्कुल फ्री कर दो। एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, खुद से प्यार करिए, खुश रहिए, बाय। Thank you.